गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं रात का समय हो रहा है और अभी ये ऑफिस से भी नहीं आया है। एक्चुअली आज देर से आएंगे क्योंकि जो बस है आज वो फुल हो गया था, तो दूसरे बस से ये लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए ये सब में थोड़ा टाइम हो जाएगा। और आज काम भी बहुत ज़्यादा था, तो ये बोले कि एक घंटा के बाद मैं आऊँगा, तो घबराना मत। तो मैं सोची कि इतना टाइम से मैं क्या करूँगी। ऐसे तो मैं थोड़ा देर से ही खाना बनाती हूँ, लेकिन अभी ये है नहीं, तो जब तक मैं बना के रख देती हूँ ईजी होगा। और तो यहाँ पर मैं कच्चू के सब्ज़ी बना रही हूँ। आप लोग पता नहीं अपनी जगह में क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कच्चू ही इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर कच्चू के सब्ज़ी बना रहे हैं और ये सब्ज़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर खाना बना के रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा देर भी हो जाता है। यहाँ पर देख रही आ गए हैं ये ड्यूटी से अब, तो आते साथ मैं इनको काम पकड़ा दी क्योंकि घर में जो है आटा नहीं था, तो आटा लेने के लिए इनको मैं भेजा दी हूँ। तो बस ये आटा लेने के लिए जा रहे हैं, कुछ कुछ सामान घट गया था तो वो सब साथ में लेके आ जाएंगे। और गर्मी भी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है अभी। अभी इससे एक हफ्ता पहले बहुत अच्छा मौसम था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ गए थे, तो ये सब टिफिन वगैरह जो है ये सब धो लेते हैं क्योंकि बर्तन जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो धोने में थोड़ा प्रॉब्लम, तो इसीलिए मैं कम जब रहता है तो धो के मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पर जो टिफ़िन है वो मैं इस साइड जो खिड़की है वैसे करके रख देती हूँ ताकि अच्छा से सूख जाए। ऐसे बर्तन वाला में रख देते हैं तो भींगा हुआ रहता है। और यहाँ पर कच्चू मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और बनाते ही बनाते ये आ भी गए हैं, तो बस ये देख सकते हैं मेरे लिए चॉकलेट लेके आए थे 5 स्टार, और बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये चॉकलेट। और देखते हैं अभी ये क्या क्या लेके आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आटा है, नमक है, बिस्किट है, तो यही सब मैं रख दी। और नमक भी जो है बिल्कुल भी नहीं था, तो बस ये डब्बा में जो है भर के रख देते हैं, उसके बाद अपना मसाला वाला डब्बा में भी थोड़ा रख देंगे। उधर दूध वाला भी आ गया था, तो दूध भी मैं साथ में गर्म कर रही हूँ। और यहाँ पर कच्चू का सब्जी जो है वो मैं बनाती हूँ। कढ़ाई को मैं तेल डाली थी, सरसों ऑयल तेल, मैं अधिकतर सरसों ऑयल तेल में ही खाना बनाती हूँ। और उसके बाद जब तेल गर्म हो गया था तो उसमें थोड़ा सा पचफोरन डाले थे और यहाँ कच्चू डाल दिए। इसको अच्छा लाल होने तक भूंज लेना है, उसके बाद हल्दी और नमक डाल दिए हैं। उसको लाल होने तक भूंजेंगे तो एकदम धीरे करके फ्लेम छोड़ दिए हैं। यहाँ पर आटा था, तो बस आटा को भी इसमें भर के रख लेते हैं। सोची कि मैं ये वाला जो डब्बा है वो आज धो दूंगी, बट आज भूल गए सुबह। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो कच्चू का जो सब्जी है वो भी बन गया है। बस हल्दी और नमक दे के इसको अच्छा से भूंजे और उसके बाद मसाला दी और मसाला के साथ भी भूंज लिए, उसके बाद पानी दे दिए। ये सब्जी मेरा हो गया है। साथ में इसके लिए मैं रोटी बना रही हूँ यहाँ पर, तो रात के खाने के लिए हम लोग यही सब्जी और रोटी यही सब खाऊंगी, साथ में आम, यही सब हम लोग का खाना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा रोटी भी आज अच्छा बन रहा था, कई बार तो एकदम पचक ही जाता है। तो बस एक एक करके रोटी हम बना लेते हैं और सब्जी भी मेरा बन गया, तो बस उसे ढक के छोड़ दिए। और जो मेरा सब्जी है वो भी जल्दी ही बन गया था क्योंकि कई कई बार जो है ना कच्चू ये सीझता नहीं है, तो बस धीमा करके छोड़ दी थी, तो जल्दी ही हो गया। यहाँ पर रोटी मुझे ज़्यादा बनाना नहीं था, बस 6 ही रोटी बनाई थी, तो वो भी सब भी खाना हो गया मेरा। तो बस हम लोग खाना खाएंगे और दूध पियेंगे, सो जाएंगे, क्योंकि आज जो है ना बहुत ज़्यादा नींद टाइप का भी लग रहा था, पता नहीं, और बीपी शायद लो टाइप का मुझे फील हो रहा होगा, इसीलिए ज़्यादा मुझे नींद आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बन गया रोटी, तो बस ऐसे फैला के छोड़ दे रहे हैं क्योंकि जब ऐसे ही गरम गरम में रख देते हैं तो भाप इसका ऐसे पानी हो जाता है, तो बस इसको फैला के ऐसे ताफी में करके रख दिए हैं।
तो बस अब खाना खाऊंगी। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।